नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। पुलिस का एक ऐसा चेहरा जो आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, और सुन के ही आप दहशत में आ जाएंगे। बात कर रहे हैं हम चाचोड़ा के अंतर्गत आने वाले मागरोन गांव की, जहां से रात को 2 बजे एक महिला को केवल इसलिए उठा लिया गया क्योंकि उसका पति 376 के आरोप में आरोपी है। पूरा परिवार सो रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा गया तो बताया कि पुलिस है। रात को 2 बजे अचानक पुलिस दरवाजे पर हो तो घर में दहशत का माहौल आ ही जाता है। परिजनों के अनुसार जब दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो उनके घर में आग लगा दी जाएगी और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। परिजनों का आरोप है दरवाजा नहीं खोला गया तो आए हुए पुलिस वालों ने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो उनके घर में आग लगा दी जाएगी और जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उन सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। ये घटना है शुक्रवार और गुरुवार की दरमियानी रात की, जहां से रात को 2 बजे एक महिला को उठा लिया गया, साथ ही उसकी 6 माह की बच्ची को भी पुलिस वाले उठा के ले गए। परिजनों ने बताया कि पुलिस वाले बता रहे थे कि बमोरी थाने से आए हैं और एसपी साहब के आदेश पर महिला को उठाने आए हैं। छीना झपटी और पकड़ने के चक्कर में जब 6 महीने की बच्ची भी गिर गई तब भी तथाकथित पुलिस वालों को भी रहम नहीं आया, उसके बाद भी वो उन्हें लेके चले गए। हमने जब मामला संज्ञान में लिया तब पता चला कि महिला का पति, जो कि एक 376 में आरोपी है, उसकी तलाश में पुलिस आई थी। जब वह नहीं मिला तो महिला को उठा के ले गई। यहां सवाल खड़े होते हैं कि क्या रात को 2 बजे महिला की गिरफ्तारी करना उचित था? वहीं ऐसी क्या संगीन अपराध उस महिला ने किए थे जो रात को 2 बजे उसकी दुधमुही बच्ची को लेकर पुलिस वाले अपने साथ ले गए? वहीं एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि महिला को पकड़ने आने के लिए महिला पुलिसकर्मी भी आवश्यक है, पर उस दस्ते में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और ऐसा क्या किया उन्होंने थाने में बैठा के महिला के साथ 24 घंटे में, कि दिन में न छोड़ते उसको अगले दिन रात में ही छोड़ा गया, वो भी चोरों की तरह। परिजनों ने जब क्षेत्रीय विधायक ममता मीणा से इस बारे में शिकायत करी तो उन्होंने महिला एवं बच्ची के अपहरण के मामला दर्ज करने की बात पुलिस से कही। अब देखना यह हुआ कि नवागत एसपी इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं, क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। आगे मारपीट चिल्लाएगी तो मारूंगा और मारपीट करूंगा और गाड़ी मारी बाकी दारू पी रखी शराब में 2 बजे ले गया रात की यहाँ से। और क्या बोला एसपी साहब ने? हाँ एसपी साहब ने बोला है। हाँ बमोरी ले गया, मारपीट करी, हाथ पकड़ के ले गया, खींच के ले गया जबरन खटिया पे सूती से, मोड़ी आंगन में गिर गई। नहीं ऐसी लेडीज पुलिस हुई सा? कोई लेडीज पुलिस नहीं थी? नहीं कुछ नहीं सा, धक्का दे के ले गया। 5-7 वाले पुलिस वाले आए थे? 5-7 है सर पुलिस वाले। देखिए अभी शाम की टाइम एक लड़की मेरे पास आई थी और बोला कि मेरी मामी को रात को 2 बजे के करीबन बमोरी की पुलिस आई और उन्होंने बोला पहले तो चाचोड़ा के पुलिस के नाम से फाटक खुलवाए, चाचोड़ा की पुलिस से फाटक खोलो, और बाद में जब फाटक खोला तो बोले हम बमोरी की पुलिस है और मतलब और कोई शोराम को ढूंढने आई राजभाई और महिला को, और उसकी 6 महीने की बच्ची को उठा के ले गई है, राजभाई गुजर है, और उस पर क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है। और उसका जो उस लड़की का कहना था कि महिला पुलिस भी साथ में नहीं थी, बोले नए एसपी ने बुलवाया, इस तरह के उसने मेरे को बताया। और मैंने तत्काल ही फिर मैंने DGP को और IG साहब को, इनको सबको मैंने फ़ोन भी लगाया, मेरे DGP साहब को 2-3 बार फ़ोन लगाया, बात नहीं हो पाई, मैंने IG को बताया है। और क्योंकि इस तरह के मेरा क्षेत्र का मामला है, ये मांगरोन गांव की ये घटना है, वो अपने मतलब नाना जी को देखने के लिए वो उसका पति और वो महिला आई थी, बांसा अड़ा के पास की रहने वाली है, बमोरी क्षेत्र में उसका मायका है। क्या अपराध था क्या अपराध नहीं था संबंधित थाने को सूचना देना चाहिए थी। उसके गोदी में 6 महीने का बच्चा है, ऐसी वो जो लड़की आई उसका कहना है कि मेरी मामी को लेके गए, हमारे साथ भी मारपीट करी, मामी को उठा ले गए, 6 महीने के बच्चे को साथ में उठा ले गए, और कहाँ ले जा रहे क्या ले जा रहे, बोले बमोरी थाने की हम पुलिस है और नए SP ने बुलाया, इस तरह की बात।
अब ये तो वो उन्होंने इसी तरह का बताया है कि वो नए एसपी साहब ने बुलवाया है, और जहाँ जाके मैं पूरा जानकारी लगा रही हूँ, मैं उस महिला के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मैंने अभी अधिकारियों से भी मैंने बातचीत की है कि भाई अगर अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि परिवार को सूचना क्यों नहीं दी, महिला पुलिस साथ में लेकर क्यों नहीं आए, कि जो पुलिस वाले जो ले गए वो अपहरण की कायमी होगी, आज आम व्यक्ति ले जाए या पुलिस वाले ले जाए, महिला पुलिस को क्यों नहीं लाए, और ऐसा कौन सा उस महिला पर अपराध था, राजबाई गुजर पर ऐसा कौन सा गंभीर अपराध था जो उसको और उसके 6 महीने के बच्ची को उसको रातों रात 2 बजे उठा के ले गए, ऐसा कौन सा गंभीर अपराध था, मैं पूछना चाहती हूँ। और पूछने के साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सुबह बातचीत करूँगी, और बातचीत के बाद में, और क्योंकि सभी जगह जगह से मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं गुर्जर समुदाय के लोगों के, कि हम सुबह चक्का जाम करेंगे, ये करेंगे, और एक महिला का मान का सम्मान का मामला है, मैं उस महिला के साथ और उसके परिवार के साथ मैं खड़ी हूँ, और उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, उसके परिवार को साथ में अन्याय नहीं होने दूंगी। और अगर वो बार बार वो जो बोल रही मेरी मामी को ले गए और नए एसपी के कहने पर ले गए, वो वाली बात भी मैं पूछूंगी, इस तरह से क्यों ले गए। ये एक थाना बमोरी क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ बलात्कार का मामला कायम हुआ था, उसमें आरोपी है सौराम गुर्जर, उसकी तलाश में पुलिस गई हुई थी। तो उसमें जो बात कर रहे हैं ना, उसको एक जो सौराम की पत्नी है उसको सुबह 7:30 के आसपास थाने पे बमोरी लाए हैं पूछताछ के लिए, क्योंकि आरोपी घटना दिनांक से ही फरार है, और ये भी बड़ा दलित युवती के साथ बलात्कार का मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला था, तो लगातार उसकी तलाश चल रही थी, वो लगातार फरार चल रहा है, तो उसकी पत्नी से पूछताछ के लिए उसको लेके आए थे। सर, महिला पुलिस रही थी साथ में क्या? हाँ, वो थाना प्रभारी लेके गया था, उसके साथ कौन थे ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पर उसका भाई भी साथ में आया था, कोई अकेली किसी महिला को लेके नहीं आया थाने पर, जो महिला थी उसका भाई उसके साथ में था। सर, सीआरपीसी की धारा 160 कहती है कि किसी व्यक्ति के परिजन को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो सीआरपीसी से बढ़ के पुलिस हो गई क्या? नहीं नहीं, ये सब नियम से ही हो रहा है और सब वैधानिक है, उसमें किसी भी आरोपी की तलाश की जा रही है, तो उसमें यदि वो फरार है तो पूछताछ की जा सकती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। क्या रात में भी महिला को उठा के लाया जाता है? नहीं नहीं, 7:30 बजे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक 7:30 बजे उसको लेके आए हैं, और पूछताछ के बाद उसको बाकायदा रुक। बजरंग दल महाभर्ती अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रावगढ़ जिला की बैठक स्थानीय विश्व हिंदू परिषद कार्यालय साढ़ा कॉलोनी पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत सह मंत्री गोपाल सोनी, प्रांत कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन, विभाग संगठन मंत्री उमेश पाराशर, सबसे पहले श्रीराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर नवीर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। रावगढ़ जिले के चारों प्रखंडों के कार्यकर्ताओं की बैठक कर सभी को घर घर जाकर 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों को बजरंग दल की सदस्यता दिलाने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया। बैठक में कमलेश शर्मा, दिलीप कुशवाहा, वीरेंद्र तिवारी, मसूरंगल से प्रवीण सोनी, रमेश कारण, हिमांशु सोनी, विजय भार्गव, विवेक पांडे, गोलू ओझा, कुमराज के नरेंद्र शर्मा, मिथुन मीना, दीपक राणा, अर्जुन गुर्जर, जितेंद्र सैनी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो मैं एक बार हाथ उठा के जय श्री राम का घोष करेंगे, कौन कौन ऐसा सूरवीर है जो कभी जाने के लिए तैयार है? जय जय ये भाव अभी अधिवेशन है, आप इतने मुट्ठी भर लोग जाएंगे तो मंदिर निर्माण नहीं होगा। और अगर चिंतन के बाद अचानक देखते हैं हनुमान जी महाराज जो महावली है, किसी कारणवश जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, एक झाड़ के नीचे बैठ के अपना राम जी का ध्यान, तो उस समय जामबंदी उनसे कहते हैं कि क्यों हनुमान जी आप चुप क्यों हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप शांत क्यों बैठे हो, आपके अंदर अपार शक्ति है। चिंतन हो गया, चिंतन के बाद अचानक देखते हैं हनुमान जी महाराज जो महावली है, किसी कारणवश जो अपनी शक्तियों को भूल चुके हो, एक झाड़ के नीचे बैठ के अपना राम जी का ध्यान, तो उस समय जामबंदी उनसे कहते हैं कि क्यों हनुमान जी आप चुप क्यों हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप शांत क्यों बैठे हो, आपके अंदर अपार शक्ति। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों ने लिया ड्रिप इरिगेशन पद्धति का प्रशिक्षण। शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा
अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास रावगढ़ में रोपित पौधों को ड्रिप इरिगेशन पद्धति के द्वारा सिंचाई का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रशिक्षण वन विभाग के क्षेत्रपाल मुकेश अग्वंशी ने कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस पद्धति की विशेषता यह है कि कम पानी में अधिक से अधिक पौधों की सिंचाई की जा सकती है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं आता है। अस्पतालों में प्रयुक्त ग्लूकोज की खाली बोतलों के द्वारा बूंद बूंद पानी देकर पौधों की वृद्धि में मदद मिलती है। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एस सी पाटनी के निर्देशन में ये गतिविधियाँ आयोजित की गयी। बेटा ये पौधे अगर बचा नहीं पाए तो याद रख लेना तुम कितना बचे लकड़ी तो बची है बेटा तुम्हारे चक्कर में बची है रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज मंडी न होने की वजह से दिन भर परेशान होते रहे किसान। किसानों का कहना है कि यहाँ सोमवार तक उन्हें गुना में रुकना पड़ेगा। बता दें कि आज द्वितीय शनिवार होने के चलते गल्ला मंडी की छुट्टी थी, वहीं पर आज डांग भी नहीं हो पाई, जिसकी सूचना ग्रामीण किसानों को न होने के चलते किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में आ गए थे। अब मजबूरन उन्हें सोमवार तक यहीं रुकना पड़ेगा। वहीं रामटेकरी से आए किसान ने हमें बताया कि उसे किसी भी तरह की कोई छुट्टी की सूचना नहीं थी। मंडी में इस समय भी कई सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और इन दिनों ठंड का मौसम होने से दिन का समय तो कट जाता है, वहीं रात बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। अब ये रात कैसे निकालेंगे किसान, ये तो वे ही जाने। वहीं इन्हें खाने पीने की व्यवस्था भी किसानों को खुद ही करनी है। पहले से ही किसान की हालत बदतर हुए, उसके बाद इस तरह से बेचारा किसान जाए तो जाए कहां। मंडी प्रशासन को चाहिए किसी भी अवकाश की सूचना सबसे पहले ग्रामीणों को पहुंचाई जाए, ताकि वे अपनी फसल लेकर मंडी ना आ पाए। क्या नाम है आपका? अरिहंत सिंह। कहाँ से आए? रामटेड़ी। बताएं ये आप जो सोयाबीन लेके आए हैं, तो ये मंडी नहीं हुई क्या? मंडी नहीं हुई। क्यों? मंडी बंद है। क्यों बंद है? नहीं पता, छुट्टी की रहा, छुट्टी है। तो आप लोग कब तक रहेंगे इधर? कर रहे नहीं पड़ेगी, सोमवार तक, परसों तक। परसों तक इधर ही रहेंगे आप? हाँ यहीं। वो खाना पीना? खाना पीना कहीं अब ऐसे ही है, जेब खर्चे उठाना पड़ेगा। 40 एक बोरी हुई। करीबन कितनी ट्राली है इधर? ये भी 15-20 ट्राली। तो आज मंडी नहीं करी? नहीं। बात करी आपने? बात करी थी, नहीं हुई, बैंक की छुट्टी है इसलिए। तो सोमवार तक आपको रुकना पड़ेगा? हाँ, सोमवार तक रुकना पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रभारी प्राचार्य वी के तिवारी को दिया ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि रसायन शास्त्र की कॉपियों के पुनः मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को बीएससी के द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम आया था, उसमें रसायन शास्त्र के अधिकांश छात्र छात्राओं की एटी आई थी, वहीं कई छात्रों के जीरो तक भी आ गए थे। इसी बात को रखने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राएं प्रभारी प्राचार्य वी के तिवारी से मिलने पहुंचे, साथ ही उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि रसायन शास्त्र की कॉपियों की पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे एक साथ फेल नहीं हो सकते, ना ही उनकी एटी आ सकती है। इससे सीधा सा यही मतलब निकाला जा सकता है कि या तो रसायन शास्त्र की पढ़ाई कॉलेज में कराई ही नहीं जाती है, वहीं अगर पढ़ाई नहीं कराई जाती तो इसमें छात्रों के भविष्य के ऊपर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अधिकतर छात्रों की एटी केटी दी गई है एवं उनके छात्रों को केवल शून्य हुआ एक अंक दिया।
भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा में बैठे हजारों छात्र छात्राएं। बता दें कि गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में बच्चों से भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इस परीक्षा में जिले भर से 200 स्कूल एवं 7 कॉलेजों के 5वीं क्लास से लेकर महाविद्यालय स्तर तक आयोजित की गई थी, जिसका समय दोपहर 12 से 1 रखा गया था। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान बढ़ाना था। आप भी आया नहीं है? गायत्री परिवार द्वारा आयोजित है ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जो कि बच्चों का नैतिक स्तर वाला। परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज बुलाए गए एम्स से डॉक्टर, जिन्होंने यहां पर आकर चेक किया परिवार कल्याण कार्यक्रम ठीक ढंग से संचालित हो रहे हैं या नहीं। बताने की एम्स हॉस्पिटल भोपाल से आए डॉक्टर रोजा, जिन्होंने यहां पर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में विस्तृत जानकारी ली एवं सुनिश्चित किया कि कार्यक्रम ठीक ढंग से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। बता दें कि महिला बाल विकास विभाग एवं मानसी माँ बेटी सेवा समिति के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में बेटी बचाने के ऊपर एक संगोष्ठी का आयोजन राज सोनोग्राफी पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज सेवी संगठनों, डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यतः कलेक्टर राजेश जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान, विधायक प्रतिनिधि बल्लू चौहान एवं राज सोनोग्राफी के संचालक डॉक्टर शर्मा मौजूद रहे। कहाँ जा रहा है समाज? ठीक है समाज को ठीक है, लेकिन चिकित्सक सीनियर डॉक्टर सिवाज गवर्नमेंट सर्वेंट अर्लियर अभी भी है मेरे ख्याल से, उनको सेफ डेमिनेशन का पता। राजस्थान की टीम ने आके एक बार और टीम आई थी, उनने किसी चिकित्सक का और नाम लिया, तो मैंने उनसे बोला जो डायरेक्टर थे वहाँ के मिस्टर नवीन सेक्रेटरी आज, उनने मेरे को फोन किया कलेक्टर ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा यार वो नहीं कर सकते डिटर्मिनेशन, किसी डॉक्टर का भी नाम था, तो मैं उनसे कहा कि वो नहीं करेंगे आप आश्वस्त रहो। पहली बार आज से 6 महीने पहले मैंने कहा वो नहीं करेंगे आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, संभव नहीं है। दूसरी बार फिर अगेन हियरिंग भी 6 महीने बाद अभी 15-20 दिन पहले, तो ये स्थिति आई, उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा मेरे का संभव रोज देख रहे हैं, प्रतिदिन हमारे पास जन सुनवाई में ऐसे प्रकरण आते हैं, लोग मिलने आते हैं, गांव से आते हैं, डेली मेरे पास मंगलवार को आप मानेंगे सभी लोग प्रबुद्ध लोग बैठे शहर के, ऐसे 5 प्रकरण मेरे पास आते हैं प्रति सप्ताह, जिनमें ये कहते हैं साहब कनेक्टिंग टू सर्व के तहत साइकिल रैली का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गाइडलाइन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अध्यक्ष संजीव दत्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति आरोन, न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा के मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी अभियान कनेक्टिंग टू सर्व के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कि आम जनता को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही गति एवं उनका लाभ उन्हें कैसे मिल सके इसके तहत दिनांक 9 नवंबर को सुबह 10 बजे से मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें न्यायालय के कर्मचारी एवं स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वहीं ये रैली न्यायालय से आरंभ होकर अस्पताल चौराहा, पुराना बस स्टैंड, एटीएम चौराहा, दास हनुमान मंदिर बाईपास होते हुए न्यायालय पहुंची, जहां पर इसका समापन किया गया। साइकिल मोटरसाइकिल रैली के रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। जगह
आकाश का है संदेश, यदि ज्योति का है हर घर में प्रवेश, आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। डीजे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।